कुछ लोगों ने दृष्टियों को लेकर के टिप्पणी की है जो कि उनका अर्ध सत्य है, पूरी तरह से ना पढ़ने के कारण, ना जानने के कारण कभी कभी गलत प्रश्न हो जाता है आपका। देखिए, मैं जब तक पूरी तरह से किसी चीज का सर्वेक्षण नहीं कर लेता तब तक कोई वीडियो नहीं बना कर देता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी को गलत ना मिले, क्योंकि ये विद्या है और इसे ब्रह्मा जी की विद्या कहा गया है, ज्योतिष वेदों का तीसरा नेत्र बताया जाता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ग्रहों की दृष्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पर होती है, इसके लिए आप विचार अवश्य करिए। देखिए, सूर्य की दृष्टि एक चरण से तीसरे और दसवें घर पे पड़ती है, एक चरण से। दो चरण से दृष्टि पड़ती है सूर्य की नवें और पांचवें में। तीन चरण दृष्टि पड़ती है आठवें और चौथे में, और संपूर्ण दृष्टि पड़ती है सूरज की सातवें में। यह तो आपको पता ही है ना। अब आइए, जिन्होंने चंद्रमा की दृष्टि को लेकर के टिप्पणी की है उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे प्रिय मित्र, चंद्रमा की भी दृष्टि तीसरे और दसवें में एक चरण से, तथा नौवें में और पांचवें में दो चरण से, और तीन चरण से आठवें और चौथे दृष्टि पड़ती है, और संपूर्ण दृष्टि सातवें में पड़ती है। अब मंगल की दृष्टि भी बता दूं, तीसरे और दसवें में मंगल की एक चरण से दृष्टि पड़ती है, दो चरण से नवें और पांचवें में भी मंगल की दृष्टि पड़ती है, आठवें और चौथी दृष्टि से तीन चरण आठवें और चौथे घर में दृष्टि पड़ती है, और संपूर्ण दृष्टि चौथे सातवें और आठवें में पड़ती है। बुध की दृष्टि तीसरे और दसवें पर एक चरण से, नवें में और पांचवें में दो चरण से, आठवें और चौथे घर में तीन चरण से, तथा पूर्ण दृष्टि सातवें घर में पड़ती है। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे और दसवें घर में एक चरण से पड़ती ही पड़ती है, नवें में और पांचवें घर में दो चरण से पड़ती है, तथा तीन चरण से आठवें और चौथे में भी बृहस्पति देखता है। अब पूर्ण दृष्टि पांचवें घर में, सातवें घर में और नवें घर में पड़ती है पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की। आइए शुक्र की दृष्टि बताते हैं। शुक्र की दृष्टि तीसरे में, दसवें में एक चरण से, नवें में और पांचवें में दो चरण से, आठवें में और चौथे में तीन चरण से, तथा संपूर्ण दृष्टि पड़ती है सातवें में, शुक्र की दृष्टि। अब शनि की दृष्टि के बारे में, तीसरे और दसवें में एक चरण से, तथा दो चरण से नवें में और पांचवें में, तथा आठवें और चौथे घर में तीन चरण दृष्टि, तीसरे सातवें दसवें में संपूर्ण दृष्टि पड़ती है, ठीक है। राहु की तीसरे छठे एक चरण से, दूसरे और दसवें घर में दो चरण से, और स्वयं के घर में तीन चरण से, और पांचवें सातवें पूर्ण दृष्टि पड़ती है। केतु की छठे में एक चरण से, दूसरे और दसवें घर में दो चरण से, तथा संपूर्ण दृष्टि पांचवें और सातवें में पड़ती है। तो सूर्य और मंगल की दृष्टि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ देखते हैं। शुक्र और बुध की कटाक्ष यानी टेढ़ी दृष्टि है, चंद्रमा और बृहस्पति की सम दृष्टि है, और शनि एवं राहु की दृष्टि नीचे रहती है, ठीक है। तो ये रही दृष्टियों की बात। अब हम आपको और बता देते हैं कि कौन कौन से ग्रहों से क्या विचार करना चाहिए, तथा ग्रहों का स्वभाव क्या होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, सूर्य स्थिर बुद्धि है, चंद्रमा चंचल बुद्धि है, मंगल क्रूरमति है, बुध मिश्रित स्वभाव का मिक्स
नेचर का है और गुरु कोमलमति है। शुक्र लघु बुद्धि तथा शनि तीक्ष्ण प्रकृति के होते हैं। अब ग्रहों से देखे जाने वाले फल क्या है कि जैसे सूर्य है तो सूर्य से पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्यता, आसक्ति और लक्ष्मी का विचार सूर्य से किया जाता है। चंद्रमा से किस किस का विचार किया जाता है? चंद्रमा से मन का, बुद्धि का, राजा की प्रसन्नता, माता और धन का विचार करना चाहिए चंद्रमा से। मंगल से किन चीजों का विचार करना चाहिए? जैसे बल, पराक्रम, रोग, गुण, भाई, जमीन जायदाद, शत्रु और जाति के संबंध में मंगल से विचार करना चाहिए। बुध से क्या क्या विचार करना चाहिए? विद्या का, बंधु यानी कि भाई बंधु, विवेक, माया, मित्र और वचन का विचार बुध से होता है। बाकी तो बहुत सारे विचार अन्य है लेकिन मैं संक्षेप में कुछ विचार बताता हूँ। गुरु से क्या विचार किया जाता है? गुरु से बुद्धि, शरीर की पुष्टि, गौरव, मान सम्मान, बड़ा भाई, धन दौलत, पुत्र और ज्ञान का विचार गुरु से होता है। शुक्र का जो है, शुक्र से रुचि, वाहन, भूषण, कामदेव, व्यापार, लग्जरीज आइटम, सुख का विचार किया जाता है। और शनि से आयु, जीवन, मृत्यु का कारण, विपत्ति आदि का विचार शनि ग्रह से किया जाता है। और राहु से पितामह यानी दादा का विचार करना चाहिए। केतु से मातामह यानी नाना का विचार करना चाहिए। तो ये मेरे किसी बंधु ने दृष्टि के पढ़ने की बात पर टिप्पणी की, तो हे मित्र, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो विद्या है, ज्योतिष, बड़ी गहरी है, संपूर्णता से किसी को प्राप्त नहीं है। हाँ, इस गहराई में जितना गोता मारेंगे आपको उतने रत्न मिलेंगे। किसी तरह का इसमें मतभेद हो सकता है आपके विचार से, परंतु ऋषियों के भिन्न भिन्न विचार रहे हैं, उन्होंने अपने मत दिए हैं। जितना स्पष्ट आपका लग्न होगा और उतना ही आपकी कुंडली के ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बताया जा सकता है। इसलिए लग्न का परिशोधन अवश्य करके कुंडली बनाना चाहिए। बस यहीं पर लेते हैं विदा, फिर बात करेंगे। ओम नमो नारायण।